नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यूजीसी नेट की एक अपडेशन आई हुई है जो कि कल आई थी, लेकिन मैं आज वीडियो बना रही। बहुत सारे बच्चों की मैसेज पे मैसेज आ रहा है, उनको कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलती हूँ, उसके बाद मैं आपको सारा मामला आपको समझाती हूँ। तो चलिए यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले चलती हूँ। ओके, यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट है ugcnet.nta.nic.in। ओके, तो आप इस तरीके से वेबसाइट सर्च करके भी कर सकते हो, डायरेक्टली यूजीसी नेट लिखकर भी आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखिए, रिलीज ऑफ द डेट्स ऑफ एग्जाम June 2023 साइकिल। अब ये जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई है, पहले उसको पढ़ेंगे और फिर सारा मामला समझेंगे, जो कि बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न है, उसको यहीं पर हम दूर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, पब्लिक नोटिस 2023 को आई हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो है ना, ये एग्ज़ाम आपकी जून की जो एग्ज़ाम है उसकी डेट भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है कि आपकी जून में होने वाली जो एग्ज़ाम है उसकी डेट उन लोगों ने दे दी है, 13 से 22 जून में आपकी एग्ज़ाम होने वाली। अब कन्फ्यूज़न बच्चों को ये है कि मैम तो फिर फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होने वाली। अभी देखिए, अभी जिस एग्ज़ाम के फॉर्म स्टार्ट हैं, फॉर्म फिल हो रहे हैं, वो फरवरी में एग्ज़ाम 100% लेने वाले हैं। और ये जो डेट आई है वो जून में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी डेट दे दी गई। ओके, तो अभी आपको फॉर्म जो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है उनकी एग्ज़ाम कब होगी, फरवरी में होने वाली है, फरवरी 2023 में होने वाली। उसके बाद ये जून वाली जो साइकिल है ना, उसके नोटिफिकेशन आएगी फॉर्म फिल करने की, और फिर जाके वो फॉर्म फिल करने की नोटिफिकेशन के बाद जून के अंदर ही आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, जहाँ पर ये डेट आपको पहले से डिक्लेयर कर दी गई है, ताकि हर बार बच्चे शोर शराबा करते रहते कि डेट हमें पहले से नहीं दी जाती है ना। तो यहाँ पर आपको पहले से एडवांस में डेट दी गई है, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर रहो, मेंटली रूप से भी प्रिपेयर रहो और अपनी जो तैयारी है उसको भी बेस्ट बना सको। इसी वजह से आपको एग्ज़ाम की डेट दे दी गई है। देखिए, अभी जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं फिल होने, वो कब के हैं, वो उसकी एग्ज़ाम फरवरी में होने वाली है। वो कौन सी है, जो दिसंबर में हर बार होती थी, उसी दिसंबर 2022 की एग्ज़ाम है, जो कि आपकी वो एग्ज़ाम कब होगी, फरवरी 2023 में होने वाली है। और ये जो डेट आई हुई है वो डेट किसकी आई है, जो जून में आपकी एग्ज़ाम होती है उसकी डेट दी है। मतलब आपको दो एग्ज़ाम एक साथ देने को मिलेगी, एक साथ मतलब थोड़े थोड़े अंतर पे देने को मिलेगी। एक आपको फरवरी में भी आप दे सकते हो और एक आप जून में भी दे सकते हो। तो फिर आप अपनी तरह से फैसला कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए कि कोई नए फ्रेश स्टूडेंट है, तो उनको लगता है कि अभी फरवरी में हम एग्ज़ाम देंगे तो फेल हो जाएंगे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह रहता है, तो फिर वैसे बच्चे जून के लिए तैयारी कर सकते हो और जून में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसके जून में जो एग्ज़ाम होने वाली है ना, उसके फॉर्म अभी फिल नहीं हो रहा है, उसके फॉर्म फिल होने की डेट भी आ जाएगी, लेकिन फरवरी में जो एग्ज़ाम है उसकी फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग अभी जो फॉर्म फिल करने वाले हों, वो उसकी एग्ज़ाम कब होगी, फरवरी में होगी। उसके बाद जून की एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आएगी फॉर्म फिल करने की, और फॉर्म फिल होने के बाद जून में आपकी एग्ज़ाम होने वाली। तो आई होप आपकी जो डाउट थे, आपकी जो कन्फ्यूज़न थी, वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, मैम क्या फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होगी, जून में ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, फरवरी में तो 100% एग्ज़ाम होने वाली, उसके फॉर्म तो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन आपको एडवांस में जून की भी डेट बता दी गई है, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेरेशन कर सको। तो जून की जो एग्ज़ाम है उसकी फॉर्म फिल करने की नोटिफिकेशन फरवरी में जो आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी उसके बाद शायद आ सकती है। ओके, सो धैर्य रखिए और अच्छे से प्रिपेरेशन करिए। अगर आप पहले से प्रिपेरेशन कर रहे थे तो वो बच्चे फरवरी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदरवाइज़ जिन बच्चे जो नए फ्रेश हैं, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, वो लोग अभी प्रिपेरेशन करके जून में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। फैसला आपको करना है कि आप कैसे एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकते हो। ओके, आपको लगता है
कि हाँ फरवरी में हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, या तो फिर जिनको एक्सपीरियंस करना है कि एग्ज़ाम किस तरह की होती है, कैसे होगी, कितना हार्ड लेवल रहता है, तो वो चेक करने के लिए आप फरवरी में भी एग्ज़ाम दे सकते हो और फिर बाद में जून में भी एग्ज़ाम दे सकते हो। जून के बाद अगली बार फिर 2023 में तीसरी एग्ज़ाम भी आएगी, दिसंबर में आएगी। ये एक ही साल में तीन एग्ज़ाम क्यों हो रही है बच्चों? क्योंकि जो एंटी है वो कोरोना COVID-19 के टाइम पे जो साइकिल थी उसमें आगे पीछे हो गया था, है ना, इसी वजह से उस सर्कुलर को ठीक करने के लिए एक ही साल में उनको तीन एग्ज़ाम कंडक्ट करानी पड़ रही है, ताकि 2024 से वो लोग क्या कर सके, एक साल में दो बार एग्ज़ाम ले सके। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये एक साइकिल जो है ना वो डिले होती जाएगी, इसी वजह से उन लोगों ने इसी साल में तीन एग्ज़ाम रख दी है, ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो, परेशान ना हो और एक साल में दो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा सके। सो आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। और वीडियो अगर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।